नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में। दोस्तों मेरा नाम है स्वप्निल, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने मेरी किडनी मेरे भाई को डोनेट की हुई है। एक साल से ऊपर मेरा हमारा ऑपरेशन का टाइम हो चुका है और मैं आज खुश हूँ, सुरक्षित हूँ, सलामत हूँ। इस वीडियो में मुझे आपको एक बात बतानी है जिसमें ऐसा है कि जो जो इंसान अपनी किडनी डोनेट करता है उसके बाद उसके बॉडी में क्रिएटिनिन जो होता है वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है, हाई हो जाता है, लो हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किडनी जो है ये हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर का पूरा जो कचरा होता है वो ब्लड में से वो कचरा निकाल के उसको यूरिन से अपने बॉडी से वो बाहर निकाल देता है। ये काम हमारी किडनी करती है। इसके लिए हमें हर इंसान हमें भगवान ने दो किडनी दी है हर इंसान को, जिसमें से एक किडनी हमेशा ही एक्स्ट्रा होती है, वो आप किसी को भी डोनेट करो, लेकिन जो दूसरी एक किडनी है वो अपना काम अच्छे से संभाल लेती है और आपके पूरे बॉडी का कचरा वो एक ही किडनी फिल्टर करके वो बाहर निकाल सकती है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है। जब आदमी एक किडनी डोनेट कर देता है उसके शरीर में से एक किडनी बाहर निकल जाती है तो जो दूसरी किडनी है वो जो कचरा बाहर निकालती है तो रिपोर्ट्स में कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। देखिए जो कचरा होता है उसको ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बोला जाता है। क्रिएटिनिन आप अगर किडनी डोनेट करने वाले हो या फिर आपके फैमिली में किसी की किडनी फेल है तो आपके डॉक्टर ये क्रिएटिनिन का रिपोर्ट जरूर ही करवाएंगे, तो उस पर आप अपनी नजर रख सकते हो। क्रिएटिनिन का एक नॉर्मल जो लेवल होता है वो 1.40 होता है, 1.40 उससे ज्यादा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्लड में कचरा बढ़ गया है। अगर उससे कम है तो अच्छा है कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क कर रही है, अच्छे से चल रही है और आपके ब्लड में कचरा कम है तो ठीक है। तो 1.40 से अगर आपका लेवल बढ़ता है क्रिएटिनिन का तो वहां पे आपको चौकन्ना हो जाना है कि वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी किडनी कहीं पर सही से वर्क नहीं करती है। तो ठीक है, ये तो जनरल बात थी, लेकिन जो डोनर होते हैं, जब मैंने ऑपरेशन किया था, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने अपनी एक किडनी डोनेट की तो उसके दूसरे ही दिन मेरा रिपोर्ट करवाया गया था क्रिएटिनिन का, जो रिपोर्ट मेरा 1.40 से ज्यादा आया था तो मैं तो अचानक डर गया कि ये क्या हो गया, मेरी किडनी दूसरी किडनी है वो सही से काम नहीं कर सकती या फिर दूसरी किडनी के बिना सही से संभाल नहीं सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में होने लगे और मैं टेंशन में भी आने लगा। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से पूछा और सच में मुझे पता चला कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो एक किडनी है वो धीरे धीरे एडजस्ट होगी, क्या उसको सारा काम एक अभी अकेली को करना है, अभी तक दो कर रहे थे अब एक को काम करना है, तो ये एक अपना काम संभालने में थोड़ा टाइम लगा सकती है, वो ज्यादा नहीं हो सकता है, केस टू केस थोड़ा अलग हो सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन वो एक हफ्ते में जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं तो टेंशन में था लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब ऑपरेशन होता है उसके बाद रेगुलरली आपके ये रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, तो 3 दिन तक मेरे रिपोर्ट करवाए थे और उसके बाद मेरा क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो चुका था। तो उसके बाद मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद आज 1.25 साल ऊपर हो चुका है, अभी तक मेरे जितने भी रिपोर्ट हुए हैं मेरा क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ही रहा है, 1.40 होता है लेकिन मेरा एक से भी नीचे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी एक किडनी बहुत अच्छे से काम करती है। और ऐसे दूसरे मैंने डोनर देखे थे जब मेरा ऑपरेशन था उस टाइम, कि उनका भी क्रिएटिनिन लेवल जब डोनेट होता है उसके बाद तुरंत बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इतना भी ज्यादा नहीं हो जाता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत हो, वो 2 से तो नीचे ही रहता है, तो भी वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, जो डोनर होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि भी उनको ऐसा लगता है कि एक किडनी देने से मैंने कोई मूर्खामी तो नहीं कर दी, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपकी एक जो किडनी है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो एक किडनी दो का काम कर ही लेगी, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगी और अपना क्रिएटिनिन का लेवल आपका जो है ब्लड के रिपोर्ट्स में नॉर्मल आ जाएगा। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, आज भी मेरा क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये जिंदगी भर नॉर्मल ही रहने वाला है, तो मुझे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डोनर हो, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या फिर आप करने वाले हो, तो पहले से आप ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल अगर थोड़ा बढ़ जाए कुछ दिनों के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा बढ़ता है या ज्यादा लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो फिर आपको जरूर टेंशन लेने की जरूरत है, आपको डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए। कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। अगर आपको किडनी डोनेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना हो, तो आप हमारी चैनल पे जरूर कमेंट करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी चैनल में मैं और मेरा भाई, हम दोनों
पेशेंट डोनर है और हम दोनों हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हमारे सारे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस वाले वीडियोस यूट्यूब पे आई थिंक कहीं पर नहीं है। दूसरे डॉक्टर्स बनाते हैं या फिर जो डॉक्टर नहीं है वो लोग भी अपने किडनी के डॉक्टर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई भी खुद का एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने ये चैनल बनाई थी। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे सारे वीडियो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके फैमिली में रिलेटेड रिलेशन में किसी की भी किडनी फेल हो चुकी है तो आप उनके साथ ये हमारे वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।